नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है और शनिवार के दिन अगर शनि देव को प्रसन्न कर लिया जाए, आपके जीवन में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती, आपके जीवन में कोई समस्या आकर खड़ी नहीं होती, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। साथ ही आपके घर में अगर किसी को भी शनि का प्रभाव है, शनि से आप दूषित हैं, शनि की कुदृष्टि आप पर लगी हुई है, तो आप शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप यह नीला फूल, जिसे अपराजिता का फूल कहा जाता है, अपराजिता का फूल शनि देव को काफ़ी प्रिय है। नीले कलर का फूल अगर शनि देव को अर्पित कर लिया जाए तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। शनि की कृपा आप पर बनेगी। यदि शनि आप पर प्रसन्न होंगे, आपके जो भी कार्य हैं जिनके लिए आप काफ़ी प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके बिगड़ते कार्य भी बनने लगेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी होने लगेंगी, क्योंकि शनि का दोष वही होता है जहां आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। यदि कोई भी कार्य करने जाते हैं और शनि आड़े आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आप पर शनि भारी है, आपको साढ़े साथी लगी है या फिर शनि का दोष है। आप उन दोषों को हटाने के लिए इस फूल को इस्तेमाल करें। आप शनि के प्रिय फूल अपराजिता का फूल ले लें और किसी भी शनिवार के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में जाएं, या फिर आपके पास घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। शाम के समय यह उपाय करना है। शाम को आप एक अपराजिता का फूल ले जाएं, शनि देव के लिए एक सरसों के तेल का दीपक ले जाएं और वहां जाकर के आप दीपक को प्रज्वलित करें। शनि देव के ऊपर आप यानी शनि देव के नाम लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आप उस फूल को समर्पित करें और दीपक को आप प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा आप 5 शनिवार कर सकते हैं या फिर 1 या 2 शनिवार से ही आपके काम बनते नजर आएंगे। शनि शांति और धन प्राप्ति के लिए नीले रंग बहुत ही प्रिय होते हैं शनि देव को, तो नीले रंग के फूल बहती नदी में बहा दें। बहाते समय शनि देव से सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि शनि देव को नीले रंग के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। शनि देव को नीले लाजवंती के फूल भी अर्पित किए जाते हैं, नीले अपराजिता के फूल भी समर्पित किए जाते हैं। अपराजिता को शंख पुष्पी का फूल भी कहा जाता है, यह आसानी से मिल जाते हैं। आप यह फूल भगवान शिव को भी समर्पित कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को यह फूल समर्पित किया जा सकता है, तो इस फूल का उपयोग आप प्रत्येक शनिवार को तो करें ही करें, साथ में भगवान शिव को प्रतिदिन एक फूल जरूर समर्पित करें। साथ ही में आप और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी कोई उपाय बताएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो देख करके अपने घर की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।